देखिए दोस्तों, एक प्रश्न देखते हैं। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये चार ऑप्शन दिए, उसमें से सही क्या हो सकता है? 17,820, 21,780, 18,000, 19 से कोई नहीं। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। माना माना कि हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 रुपये है ना। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये दिया है, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक्स का 10% लाभ है, इसलिए 110%, 110%। तो एक्स का 110% मतलब एक्स गुणित 110/100। तो इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, मतलब 11x/10। विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय विक्रय मूल्य बराबर 11x/10 रुपए। अब इसका क्रय मूल्य क्या है, हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ अपने को, 19,800 और 11x/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर 19,800 गुणित 10/11 और x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,000 रुपये। तो 18,000 को सॉल्व करने पर आएगा इसका सही आंसर ये है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114.40 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसके चार ऑप्शन दिए हैं, 3%, 5%, 6% और 4%। इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 110 रुपये, विक्रय मूल्य है 114.40 रुपये। तो और लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम तो देखें कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ का सूत्र हमें मालूम है कि हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है। तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 4.40 रुपये। 4.40 रुपये कैसे निकाला हमने? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकालने पर हमें कितना रुपए का लाभ हुआ, ये 4.40 रुपये। अब लाभ का प्रतिशत हमें कैसे निकालना है, उसका निकालना है। लाभ का प्रतिशत बराबर, पहले तो लाभ कितना है, 4.40 रुपये। प्रतिशत मतलब 110। 110 क्यों? क्योंकि 110 रुपये उसका खरीद मूल्य है, इसलिए प्रतिशत ये हो गया और ये हो गया इसका प्रतिशत। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इससे ये कट हो जाएगा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इसका आएगा 4 रुपये, मतलब 4%, ये परसेंट में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।